अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर है और आज मैं सुबह हमारी जो एचबीएल की ब्रांच है उसमें मैं गया और वहाँ पे मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने थे। तो उन्होंने काफ़ी दिनों से बंद था, तो आज मैंने चेक किया तो उन्होंने एटीएम बड़ा रेनोवेट किया हुआ था, बड़ा अच्छे तरीके से ना एटीएम की मशीन चेंज की थी, सब कुछ किया था। लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ की उन्होंने कि जो मुझे बड़ी लग रही है कि यार ये बड़ा ग्रे एरिया है ना, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ये। अब वो क्या किया उन्होंने कि जो एटीएम की मशीन है ना, जैसे यहाँ पे सामने, ठीक है, उसके बिल्कुल इस जगह पे कैमरा लगा दिया। अब अगर वो कोई कैमरा देखेगा सिक्योरिटी फुटेज, तो उसको हर बंदे का पिन नज़र आएगा कि यार पिन क्या डाल रहा है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचबीएल वालों ने बहुत गलत किया। मैंने उनको एक कंप्लेंट को लॉन्च की है उनकी वेबसाइट पर जाके, अब देखें वो क्या आगे से रिस्पॉन्ड देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ देखें ना कि मिसाल के तौर पे अगर, क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें बैंक एम्प्लॉय निकलते हैं। इवन मुझे दो तीन बार कॉल आएंगे, जी आपका एटीएम हम ब्लॉक करें, हम स्टेट बैंक से बात करें। मैंने कहा बात सुने, स्टेट बैंक से बात करें पहले तो आप ही है ना, बात आपको बात करने का अंदाज से अंदाज़ा हो रहा है, और दूसरा ये आपके नंबर भी दूसरा है, ठीक है। अगर आप स्टेट बैंक से बात करें तो मैं आपको एटीएम कोड के बताया आपको पहले से बताना चाहिए, वो इस तरीके से दो तीन बार मैं बचाऊँ, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको भी कभी कोई कॉल आती है ना कि इस तरह के हिसाब से कि भाई एचबीएल से मैं कॉल कर रहा हूँ, उनका बात करने का तरीका, उनके पास पता नहीं कैसे, उनके पास पहले से ही आपका पता होता है कि इस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, और कॉल करेंगे बोलेंगे जी कैसे हैं, आपको सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, ठीक है, हमारा जो है ना आपका, मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया है, आपको आखिरी जो है वो तीन नंबर बताने पड़ेंगे, फिर आप बताएंगे कहेंगे मसला आ रहा है, आपको पूरा कार्ड बताना पड़ेगा, उसके बाद वो डेट भी पूछ लेंगे और सीवीएस नंबर या सीवीसी नंबर जो सिक्योरिटी का होता है वो भी पूछ लेंगे, अल्टीमेटली आप लुट गए, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई पूछे तो आपने फॉर्म मना कर देना, बोलेंगे आप ब्रांच वाला जो है ना, ब्रांच में मैं खुद आ जाऊँगा अपनी जो भी आपकी ब्रांच है। खैर ये बात तो अलग होगी, लेकिन ये जो अब इसमें मुझे लगता है कि यार ये जो बैंक एम्प्लॉयज है ना खुद मिले हुए हैं। अब देखें एटीएम के कोड बकायदा नजर आ रहा है, एक चलता हुआ एटीएम जो कि वर्किंग एटीएम था इन्होंने पहले रिप्लेस किया, रिप्लेस करके अब कैमरा ऐसे जगह लगा दिया जहाँ पे आपकी पिन नजर आती है जब भी आप कार्ड डालते हैं। अब जब लाजिम सी बात है पिन नज़र आ रही है, फिर इसके अलावा जब आप कार्ड डालते हैं तो कार्ड आप मोस्टली इधर उधर मोड़ते हैं, तो उसमें नंबर जो लिखा हुआ होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो वहाँ से भी वो लोग निकाल सकते हैं, तो ये तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अभी देखिए मैंने कंप्लेन तो लॉन्च की है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं खुद बताऊँगा आपको कि क्या सिचुएशन है, क्या रिस्पॉन्ड देते हैं वो लोग, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। और उल्टा जो है ना, मतलब बैंक वाले आप ही को मैसेज कर रहे होते हैं, जी मैं एचबीएल जो है फलाने से आपको कॉल नहीं करता, तो ऐसी कोई भी कॉल आने की सूरत में जो है ना आपको जिम्मेदार होंगे, कभी भी आपकी ओटीपी किसी बना दें, तो मतलब आप क्या काम कर रहे हो, आपके जिस नंबर जो आपका हेल्पलाइन का नंबर है उसी से लोग कॉलिंग कर रहे हैं और आप सोए हुए हो। अजीब सिस्टम है यार पाकिस्तान का।